काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि सावन महीना महादेव का कितना प्रिय महीना है। तो इस महीने में हर शिव भक्त कावड़ लेके जाता है। चलिए जानते हैं कावड़ लेके क्यों जाते हैं और उसमें क्या क्या किया जाता है। पुराण के अनुसार पहला कावड़ भक्त है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम गंगा जी से जल लेके शंकर भगवान के अभिषेक कर रहे थे, तो उन्होंने ही कावड़ यात्रा शुरू किए थे। तब से लेके आज तक हर शिव भक्त सावन में कावड़ यात्रा पे निकलते हैं। सावन महीने का कोई भी सोमवार या कोई भी एक सोमवार को कावड़ यात्रा पे निकलते हैं। अगर कोई दूर जाना चाहते हैं तो सोमवार से पहले ही घर से निकल जाता है। अगर कम रास्ते के लिए जाते हैं तो एक दिन पहले या सोमवार के दिन सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है तो उसी में ही जाते हैं। आपके वहाँ जो भी नदी होता है तो नदी में जाना है, नदी में स्नान करना है, फिर नदी में डुबकी लगा के नीचे से रेत लाके रेत का शिवलिंग बनाया जाता है नदी के किनारे में। जैसे हम लोग शिव जी के मंदिर पे जल चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, बेलपत्र फूल चढ़ाते हैं, उसी प्रकार नदी के किनारे में रेत का शिवलिंग बना के उसके अभिषेक करना होता है। उसके अभिषेक करने के बाद वहाँ पे हवन भी किया जाता है। कोई कोई हवन करते हैं, कोई कोई बार शिवलिंग स्थापित करके उसके पंचामृत से स्नान करके गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य देके पूजा कर लेते हैं। पूजा के पश्चात दो लोटा लेके पूर्व दिख के मुख करके नदी के जल में 6 बार डुबकी लगाना है। 6 बार डुबकी में आपका जितना भी कलश का पानी भरेगा तो आपको पीछे की ओर डालना है। 7वीं बार में पूर्व दिख को मुख करके 1 बार डुबकी लगा के अपना कलश में पानी भरना है। पानी से भरा हुआ कलश को लाके शिवलिंग के पास रखना है। ये अभी सिर्फ नदी का जल रहता है, उसको शुद्धि किया जाता है और सुगंधित जल में परिवर्तित किया जाता है। उसमें पंचामृत, बेलपत्र, फूल, कौड़ी, सीका, पंचसस्य इत्यादि सारे सामग्री डाला जाता है। फिर वो जल शुद्ध जल या सुगंधित जल में परिवर्तित हो जाता है। वो जल कलश को पूजा करने के बाद नारियल के साथ अपने कावड़ में बांधते हैं और भगवान शिव का नाम लेते हुए, भगवान शिव का नारा लगाते हुए चलते हैं कोई भी शिव मंदिर पे जल चढ़ाने के लिए। अब बात आती है कावड़ यात्रा में क्यों जाते हैं। ये बात समुद्र मंथन के समय का है। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो कोई भी देवता उसके या कोई भी असुर उसको ग्रहण नहीं किए, तो भगवान भोलेनाथ ने वो विष को ग्रहण करके नीलकंठ कहलाए। जब भगवान ने विष को ग्रहण किया उसके बाद उनके पूरे शरीर जलने लगा, तो हर राक्षस, हर मनुष्य, हर देवता, हर कोई उनको उस विष की ज्वाला से शांति के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाए। तो उस समय ये सावन महीना था, इसीलिए भगवान शंकर को सावन महीना बहुत प्रिय है और हर शिव भक्त सावन महीने में कावड़ लेके भगवान शंकर के जलाभिषेक करते हैं। आपने जो नदी का भी जल संग्रहित किया और जो महादेव के मंदिर में जा रहे हो उनके नाम लेते हुए जाना है। हम लोगों ने नर्मदा नदी के शाखा नदी है तपी नदी, तो वहाँ से हमने जल संग्रह करके काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने आए थे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कावड़े वालों का कितना भक्त है, कितने भक्त कावड़ यात्रा पे आए हैं।
इसी प्रकार हर कोई शिव भक्त हर सावन के सोमवार का व्रत रखता है और हर साल सावन में कावड़ लेके जाते हैं। तो हम लोगों ने भी काशी विश्वनाथ जी पे जल अभिषेक कर दिए। काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव शिव शंभु। तो भगवान शंकर ने सबका दुख दरिद्र कष्ट रोग व्याधि सब कुछ हर ले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हर हर महादेव शिव शंभू।